ब्रॉन्सकॉक फैमिली वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दंगल सीरीज। तो भाई या तो ये आज आखिरी मैच है या फिर ये सेकंड लास्ट मैच है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मैच है टीम मेंड गेमिंग वर्सेस टीम वरुण आर्या अगेन। तो भाई वरुण आर्या ने सिलेक्ट करा है जॉन सिन्हा को एज अ कैप्टन, क्योंकि वरुण आर्या की टीम के सबसे ज्यादा लाइक थे, 6 लाइक थे जब तक मैं देख रहा हूँ, तब तक वरुण आर्या के सबसे ज्यादा लाइक थे। उसके बाद किसी के हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। और दूसरी तरफ है मेंड गेमिंग की टीम द हॉलीवुड होगन ट्रिपल एच एंड केविन ओवेंस। तो भाई ये टीम ऑलरेडी 2 मैच जीत चुकी है लगातार, तो ये भी क्वालिफाइंग मैचेस के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो मैंने क्यों सेकंड लास्ट और लास्ट मैच बोला है, क्योंकि अगर आज मेंड गेमिंग जीत जाता है तो ये लास्ट मैच होगा, इसके आगे मैच नहीं होगा, फिर सीधा क्वालिफाइंग मैच शुरू हो जाएंगे। अगर आज मेंड गेमिंग हार जाती है तो भाई फिर एक और मैच होगा सिर्फ ये देखने के लिए कि एक और कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकती है। अभी देखते हैं कि वरुण की टीम में, जॉन सिन्हा की टीम में कौन कौन से सुपरस्टार आते हैं। तो भाई जॉन सिन्हा की टीम के पहले सुपरस्टार है ब्रूटस क्रीड और दूसरे सुपरस्टार है सोनो सिकोवा। तो भाई बहुत तगड़ी टीम मिली है जॉन सिन्हा को, बहुत अच्छी टीम है, तगड़े सुपरस्टार है, ओवरऑल्स पे मत जाना, एक्चुअली में सुपरस्टार्स तगड़े हैं। तो भाई अभी देखते हैं कि ये दोनों टीम्स में से ज़्यादा तगड़ी एक्चुअली में कौन निकलती है और इनके लिए आज कौन सा मैच आता है। तो भाई अभी मैच मुझे पता नहीं, चार ही तो मैच है टेबल में, घूम घूम के आ जाते हैं भाई। तो अभी देखते हैं आज इनके लिए मैच कौन सा है। तो इनके लिए आज मैच है फॉल्स काउंट एनीवेयर टैग मैच। तो भाई मैच कैओटिक होने वाला है, थोड़ा सा आंखों के लिए डिस्टर्बिंग होने वाला है कि कहाँ देखे कहाँ ना देखे। तो भाई मुझे नहीं पता कौन जीतने वाला है, आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है। फिलहाल तो दोनों टीम्स ने शुरुआत करी है, किसी का भी किसी को अभी तक फिनिशर नहीं लगा, मतलब अगर आप कह सक देखो ध्यान से तो किसी ने अभी किसी को फिनिशर लगाया नहीं है, पर फिनिशर आने में टाइम नहीं लगते क्योंकि पहला फिनिशर आया है एटीट्यूड एडजस्टमेंट, वो भी कैमरे ऑफ पे। तो भाई जॉन सिन्हा, अरे 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 मुझे लगा ना तो होने वाला है, अभी होने वाला है, एक ही फिनिशर में होने वाला है, पर नहीं, बच गए कैवी रोमिस, बच गए फिलहाल। और हल्क होगन ने है भाई अपने फिनिशर के लिए सोनो सिकोवा पे। भाई दोनों लेजेंड्स ने अपने फिनिशर लगा दिए, दोनों ही अमेरिकन जो बन के आते थे, हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट और दूसरे द पता नहीं क्या जो भी था इनका, हॉलीवुड होगन, होगन जो थे अमेरिकन होगन, कुछ नाम था मुझे भूल गया, हॉकस्टर को कुछ कहते तो थे उस टाइम पे, मेरे को भूल गया। तो अभी हाँ एलिमिनेशन जोन है, आपको पता ही है एलिमिनेशन जोन है, तो एक एक करके एलिमिनेट होते जाएंगे, जिस टीम के सुपरस्टार्स एलिमिनेट हो गए वो टीम की लंका लग जाएगी भाई। वैसे मेंड गेमिंग 2 मैच जीत चुके, तो मेंड गेमिंग को कोई नुकसान नहीं है अभी फिलहाल, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नुकसान तो वरुण की टीम को होगा अगर वो हार जाती है, उसको मौका नहीं मिलेगा आगे जाने का। जूलियस क्रीड पिन के लिए गए केविन ओवेंस पे और केविन ओवेंस एलिमिनेट हो चुके हैं भाई साहब। केविन ओवेंस इतनी जल्दी एलिमिनेट हो गए भाई, सिर्फ 2 ही फिनिशर्स में एलिमिनेट हो गए केविन ओवेंस। ट्रिपल एच को पिन की कोशिश कर रहे हैं सोनो सिकोवा, पर नहीं, ट्रिपल एच एलिमिनेट नहीं हुए फिलहाल, ट्रिपल एच बच चुके हैं। ब्रूटस क्रीड ओनली बचे हैं जिनके पास फिनिशर है अभी, बाकी टीम सीना में से किसी और के पास अभी फिनिशर नहीं है। सोनो सिकोवा के पास सिग्नेचर है, इधर हॉलीवुड होगन के पास फिनिशर है और ट्रिपल एच को एक और फिनिशर लग चुका है, वो भी ब्रूटस क्रीड का। पर ट्रिपल एच के पास रेजिलेंसी है, तो मुझे लगता है रेजिलेंसी बचा लेंगे। रेफरी तुम कहाँ देख रहे हो भाई, 1 2 मैंने कहा था रेजिलेंसी है, तो रेजिलेंसी ने बचा दिया ट्रिपल एच को। पर अगर अब ट्रिपल एच को फिनिशर लगा तो ट्रिपल एच की लंका लग जाएगी भाई, टीम हल्क होगन की लंका लग जाएगी प्रॉपरली, पता लग जाएगा कि हल्क होगन की टीम हारने वाली है। तो भाई अभी देखो क्या होता है, वैसे कुछ कंफर्म नहीं होता भाई, मैच के लास्ट में कुछ भी हो जाता है, तो मैं कोई कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, कोई कंफर्म्ड फैक्ट नहीं बता रहा कि वही बढ़िया खेल रहे वही बढ़िया खेल रहे, मैं जस्ट अभी मौके के हिसाब से जो प्रेजेंट में चल रहा है वो बता रहा हूँ। एंड में कुछ भी हो सकता है भाई, हो सकता है अकेले हल्क होगन पूरी टीम को जितवा जाए, कुछ नहीं कह सकते। और सोनो सिकोवा ने हल्क होगन को दिया है, हॉकस्टर को दिया है, मैं भूल जाता हूँ यार बीच बीच में मूव्स का नाम। और हल्क होगन, अरे 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 मुझे लगा हल्क होगन एलिमिनेट हो गए भाई, हल्क होगन बच गए फिलहाल, तो हल्क होगन बच गए, पर मुझे लगा था हल्क होगन एलिमिनेट हो गए, लगा था ना, आपको भी लगा था ना हल्क होगन एलिमिनेट हो गए, मुझे तो पूरा लगा था भाई, तुम्हें भी लगा है भाई, मुझे पता है तुम्हें लगा है, जो तू देख रहा है तेरे को भी लगा था होता है भाई, मुझे लगा था कि हो गया हल्क होगन एलिमिनेट हो गया, पर नहीं, हल्क होगन फिलहाल बच गए हैं। पर हल्क होगन के पास फिनिशर है वो यूज़ करने का मौका नहीं मिल रहा, सिग्नेचर है वो यूज़ करने का मौका नहीं मिल रहा। जॉन सिन्हा और सोनो सिकोवा ने पूरी लंका लगा रखी है,
हल्क होगन की, हल्क होगन को मौका नहीं मिल रहा लड़ने का प्रॉपरली अगर मैं बताऊँ तो। उधर ब्रूटस क्रीड और ट्रिपल एच अलग ही अपने तबाही मचा रहे हैं, हालांकि ब्रूटस क्रीड इतने ज़्यादा नहीं पिटे, ट्रिपल एच को ज़्यादा पिट चुके हैं। अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज तो भाई हल्क होगन की टीम का तो बुरा ही हाल है, मैं हेल्थ वाइज अगर बताऊँ बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आप देख लो, चाहे आपको अगर नहीं दिख रहा तो आप देख सकते हो अच्छे से। अभी फिलहाल जो मैच है पूरा टीम जॉन सीना की तरफ है, अब बस फिनिशर्स की ज़रूरत है, वो भी दो, एक ट्रिपल एच को लगाने के लिए और एक हल्क होगन को लगाने के लिए। सोलह सी कोवा गए हैं पिन के लिए और रेजिलेंसी ने बचा लिया है। अगर रेजिलेंसी यूज़ करिए तो हॉकस्टर इसका मतलब लास्ट स्टेज पे है इस मैच की भाई, ये रेड जोन में है, ये कभी भी एलिमिनेट हो सकता है पिन की कोशिश जॉन सीना पे, क्या ये पिन होगा। फिलहाल सोलह सी कोवा ने अपने टीम पार्टनर को बचाया है, वैसे भी होने वाला तो था पर बचाया, अच्छी बात है, शुक्र है। ये भी देखने को मिला है फॉल्स काउंट एनीवेयर टैग मैच में जिसमें एलिमिनेशन जोन है और उसमें पार्टनर्स बचाने आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। अभी जॉन सीना के पास सिग्नेचर आने वाला है और जल्दी फिनिशर भी आ जाएगा, तो भाई जब वो फिनिशर आ गया तो जिसको भी पड़ा, चाहे ट्रिपल एच को पड़ा, चाहे हल्क होगन को पड़ा, जिसको भी पड़ेगा वो तो एलिमिनेशन के पास आ जाएगा। क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक तो नॉकआउट भी होना है, ऊपर से रेजिडेंसी भी दोनों ने यूज़ कर लिए, तो भाई बचना तो मुश्किल हो जाएगा। और जॉन सीना के पास, जॉन सीना ने अपना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दिया भाई हल्क होगन पे और आपको पता क्या होने वाला है, 1, 2, 3 और हॉक से हो चुके हैं एलिमिनेट, सिर्फ बचे हैं ट्रिपल एच। और ट्रिपल एच खुद कितनी देर बच सकते हैं ये देख रहा है, जुड़े पिन कर रहे हैं 1, 2, 3 और इसी के साथ टीम मैन गेमिंग हार चुकी है और टीम वरुण जीत चुकी है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू वरुण। अभी इसके बाद एक और मैच होगा सिर्फ ये देखने के लिए कि वरुण की टीम क्वालिफाई करती है या नहीं। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मुझे नीचे कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।